फ्रांस का शहर स्ट्रासबर्ग, और स्ट्रासबर्ग में ये बहुत ही यूनिक जगह मैंने देखी है जो टूरिस्ट की रिहाइश के लिए बनाई है, मगर ये आम तौर पे, रिवायती तौर पे जिस तरह से होटलों में कमरे और वो होते हैं, उसकी बजाय यहाँ पे ये हट्स बने हुए छोटे छोटे, और इन हट्स की खासियत ये कि बहुत छोटे से साइज़ में बहुत ज़्यादा गुंजाइश पैदा की हुई है रिहाइश के लिए। मसलन एक हट जो है उसकी अगर पैमाइश लें तो वो 20 बाय 10 का अगर है या 20 बाय 15 का है, तो उसमें कम से कम चार लोगों की फैमिली बड़ी आसानी के साथ रह सकती है। बच्चों के लिए यहाँ पे ये सामने एक प्ले एरिया भी बनाया हुआ है। यहाँ पे दो तरह के लोग आके रहते हैं, एक वो लोग हैं जो अपने साथ कारवान टाइप की गाड़ियों में आते हैं, उनमें ऑलरेडी तमाम सहूलतें जैसे वॉशरूम भी उसमें मौजूद है, सोने का इंतज़ाम भी है, टॉयलेट्स भी हैं, उनको सिर्फ़ यहाँ पे कारवां खड़ा करने के लिए जगह चाहिए होती है, और छोटी सी जगह जहाँ पे वो अपनी बाकी ज़रूरियात पूरी कर सकें वो चाहिए होती है। वो यहाँ पे कॉमन है जिसमें किचन का अरेंजमेंट है, वॉशिंग एरिया है, किसी ने कंप्यूटर यूज़ करना है कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं, तो वो कॉमन चीज़ें जहाँ पे सब लोग जाके उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरे ऐसी किस्म के लोग आते हैं जिनको, जो अपनी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन उनको सिर्फ कैंप के लिए जगह चाहिए, वो ख़ुद अपना कैंप लगाते हैं, तो उनके लिए कैंप का अरेंजमेंट मौजूद है, वो आए और अपना कैंप लगाएं, और कैंप में उनका सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक कॉमन एरिया है जिसमें टॉयलेट्स भी हैं, वॉशरूम भी हैं, नहाने धोने का भी अरेंजमेंट है, किचन का भी है, वो सब का कॉमन है, तो उसको वो ऐसे लोग जो आके कैंप करते हैं यहाँ पे, वो अपने अपने कैंप लगा लेते हैं। तो ये दोनों तरह का अरेंजमेंट है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट हट मिलता है या कॉटेज मिलता है जिसमें पूरी फैमिली ऐसे ही रहती है जैसे अपने घर में रह रही है, और इतने छोटी सी जगह में ये सामने देखें ये लोगों ने कैंप लगाए हुए, ये कैंप लगे हुए लोगों के, और माहौल भी बिल्कुल ऐसा जैसा आप जंगल में आके रिहाइश पज़ीर हो। बेशुमार ग्रीनरी है, बहुत खूबसूरत दरख्त लगे हुए, और इस सामने इसी तरह से अलग अलग ये फ्रांस का शहर है स्ट्रासबर्ग, और स्ट्रासबर्ग इस शहर की अहमियत ये कि यहाँ पे यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट भी है,
और उसके अलावा बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो खासे टूरिस्ट हैं जो इस शहर में आते हैं, और फ्रांस के बड़े शहरों में से एक शहर है स्ट्रासबर्ग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और सबसे बढ़ के ये कि सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आप लोग अलग अलग से व्हाट्सएप पे मैसेज दे देते हैं, लेकिन लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते। इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।